हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही मस्त होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में काम की खबर। तो आज देख लेते हैं न्यूज़पेपर में कौन सी काम की खबरें हैं जो सभी के लिए जानना जरूरी है। जो पहली खबर है वो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित होंगे गौतम अडानी। अमेरिका भारत व्यापार परिषद ने अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। भाई सम्मानित तो करेंगे क्योंकि ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो हो गए हैं, और उनको ये अवार्ड दिया कब जाएगा तो 7 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडिया आइडियाज समिट में गौतम अडानी को यह सम्मान दिया जाएगा। चलिए तो गाइस, जो दूसरी खबर है वो है खेल जगत से। पहली बार खिलाड़ी बना AIFF अध्यक्ष। पूर्व खिलाड़ी कल्याण चौबे शुक्रवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। चौबे ने दिग्गज फुटबॉलर वाईचुंग भूटिया को हराया। इन्हें पहली बार, मतलब अभी AIFF का जो अध्यक्ष होता था वो गैर खिलाड़ी रहता ही था लगभग, क्योंकि 34 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में समर्थन हासिल नहीं कर सके थे वाईचुंग भूटिया, और इन्होंने 33-1 से जीत दर्ज कर ली है। तो गाइज, इसी के साथ ही हमारा ये जो काम की खबर है वो खत्म हुई, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और इसको शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि, सब्बा खैर।